सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें यूज़ क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके और हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है एचसीएफ फाइंड करने की, उसका यूज़ करके फिर उसके बाद हम उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखेंगे। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर ए है, ठीक है, और दूसरा नंबर आपके पास बी है, तो यहाँ पे देखिए ए बी नंबर है, तो हमेशा आप ए नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें ए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द बी। ठीक है, ए आपका बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए, हम ए बी क्या चूज करेंगे, हम ए को ले लेंगे 225 और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा 135। और ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट का। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है हमारा। अब इसके बाद इसका जो एचसीएफ होता है, वो आप एक बार ट्रेडिशनल मेथड जो आपने सीखा हुआ है पहले भी, उस मेथड से जाएंगे हम पहले। तो देखिए, ये क्या है 225 और यहाँ पे क्या है 135, एंड दिस इज वी आर डिवाइडिंग इट विद 135। तो देखिए, वन टाइम में यहाँ पे कितना आएगा 135। ओके, अब यहाँ पे इसे माइनस करवाएं, देखिए 5 - 5 जीरो, और यहाँ पे 12 - 13 ये कितना हो जाएगा 7 + 2 = 9। तो यहाँ पे 90 आ गया। इसके बाद क्या करते थे हम, यहाँ पे जो ये वाला नंबर है, जो इसका क्या है, ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर को हम यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, सो ये 135 यहाँ पे लिख दूंगा मैं अगेन। अब इसके बाद वापस से डिवाइड करूँगा तो वन टाइम में 90 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर में 45 बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट वापस से क्या करूँगा मैं, 90 जो यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिविडेंड। सो यहाँ पे मैंने 90 नोट कर दिया। अब नाउ टू टाइम्स में ये कितना हो जाएगा 40, ये 45 × 2 हो जाएगा 90। तो यहाँ पे मैं 90 लिख सकता हूँ, चलिए तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90। ओके, अब रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो ये जो एच सी एफ निकालने का मेथड है, इसे आप कब तक यूज़ करते रहते हो, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एक्चुअल में उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 आया है, तो उस समय में जो आपका डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एच सी एफ होता है। लेकिन अब ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया जिससे हम करते हैं, अब आपको इसे किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ओके, किससे करना है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसे सॉल्व करते। देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सीरीज में किस तरीके से लिखना है। देखिए, आप यहाँ पे इन नंबर्स पे ध्यान दें, जो यहाँ पे डिविडेंड है ना, एक बार डिविडेंड क्या है 225, देन वी हैव 135 एंड वी हैव 90। तो आप इन तीनों नंबर्स को ना यहाँ पे लिख ले, कैसे, दिस इज 225, ठीक है, उसके बाद 135, नाउ वी हैव 90। अब आपने लिख लिया, अब इसके बाद क्या करो, आप तीनों की इक्वल में ना 225 को देखो, आप लेफ्ट इनटू राइट प्लस रिमाइंडर क्या करना है, लेफ्ट इनटू राइट। सो लेफ्ट में क्या है नंबर 225 की, 135, सो 135 मल्टीप्लाइड बाय, राइट में नंबर क्या है 1, प्लस ऐड क्या करोगे, जो रिमाइंडर आया होगा 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो आ गया 90। अब 135 को देखो आप, सो 135 के लेफ्ट इनटू राइट प्लस रिमाइंडर, सो लेफ्ट में क्या है 90 इनटू राइट में क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। अब 90 पे आ जाते हैं, सो 90 में लेफ्ट इनटू राइट, सो दिस इज 45 × 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो ये आपने किसको यूज करके लिखा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके लिखा, जो कि ये था। ठीक है, विच इज ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया, आपको ज्यादा इसमें सोचना भी नहीं है, है ना, मैंने बताया जो डिविडेंट होते हैं इन तीनों का आप लिस्ट करोगे, और लेफ्ट इनटू राइट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे जब ऐसा आप लिख लेते हो, तो यहाँ पे जो नंबर आता है ना लास्ट में, देखिए ये जो 45 है, ये क्या होता है आपका, एच सी एफ होता है। सो यू कैन से दैट सी एफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 45। अब इसमें चलिए सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सेकंड वाले में देखिए, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 38220 और बी होगा क्या, बी होगा हमारा 196। और इसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ इसे। देखिए, इस वाले में ना आपको सबसे पहले ना तो इसको एक बार कम्प्लीटली डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। इस बार जो हम एच सी एफ निकालते हैं ना, जिस मेथड से, हमें वो नहीं करना है क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है। पहले हमें क्या करना है, इसका इसे डिवाइड करके देखना है कि कितने बार में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे वन टाइम में जाएगा 196, इसके बाद ये क्या आ गया, यहाँ पे 12 - 6 6 हो जाएगा, 17 - 9 8 आ गया, और यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा।
फिर टू का आप यहाँ पे कैरी लोगे। अब इसके बाद 196 है तो 196 10 टाइम्स में तो 1960 आ जाएगा, तो इससे एक टाइम कम लेना होगा, तो मतलब 9 टाइम में देखता हूँ मैं। सो 196 मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 कैरी आ जाएगा, 9 9 81, 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा 86, 6 और यहाँ पे 8, सो 9 1 9 प्लस 8 17, सो 1764 आ रहा है मेरे पास। सो मैं यहाँ पे 1764 लिखूँगा। अब इसे मैं माइनस करवाता हूँ तो 12 माइनस 4 इज 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा जब आप कैरी लोगे, तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। इसके बाद 7 माइनस 7 0 एंड 1 माइनस 1 इज ऑल्सो 0। अब यहाँ पे आप 2 को कैरी ले लो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको, और अगर आखिरी में 6 लाना है, यहाँ पे आखिरी में 0 लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ज़रूर 5 वाले किसी नंबर से करोगे। और दिख भी रहा है ये ऑलमोस्ट 200 के आसपास है, ये ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, सो 200 × 5000 के आसपास होता है, तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सो 196 × 5, सो दिस इज 5 6 30 0 एंड 3 हेयर, एंड 9 5 45, 45 प्लस 3 इज 48, सो 8 हेयर एंड वी हैव 4 हेयर। नाउ 5 1 5 प्लस 4, सो दिस इज 9, सो वी नो दैट दिस इज इन 195 टाइम्स वी आर गेटिंग 980 एंड द रिमाइंडर इज 0। इट मींस ये क्या हो रहा है, इसके कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो ये तो पहली बार में रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बाकी के स्टेप्स होंगे वो जो 2-3 स्टेप में होता है वैसा कुछ होना नहीं है, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे, देखिए 38220 विल बी इक्वल टू, देखिए इस फॉर्म में लिखना मुझे, सो बी क्यू प्लस आर, बी क्या था मेरा 196 और क्यू क्या आ गया मेरा, देखिए क्वेश्चन आ गया 195 और प्लस में रिमाइंडर कितना है 0, तो ये आपका हो गया ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, और जिसमें आपका एच सी एफ क्या हो गया यहाँ पे 196, सो वी हैव गॉट दिस एज एच सी एफ। अब थर्ड वाला देख लेते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन को, तो इसमें 867 और 255 है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 867 और बी मैं क्या ले लूँगा ये 255। अब इसे मुझे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो चलिए सबसे पहले एच सी एफ कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पे ये रहा 867 और यहाँ पे 255, तो अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स में आएगा ये, सॉरी 3 टाइम्स में ले सकते हैं, बिकॉज 250 का 3 टाइम्स कितना होता है 750 के ऑलमोस्ट होता है, 750 के आसपास, ठीक है 750 होता, तो ये हो जाएगा 765 3 टाइम्स में, ठीक है, सो ये हो जाएगा 765 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 7 माइनस 5 इज 2 0 एंड दिस इज 1, सो 102 मेरा रिमाइंडर आ गया। अब 255 को मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब ये देखिए ये 100 के आसपास है और ये 200, सो 2 टाइम्स में जाएगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 204 और ये कितना हो गया ये 1, ठीक है 5 माइनस 4 इज 1 एंड 5 माइनस 0 इज 5 और 2 माइनस 2 इज 0। तो यहाँ पे अब ये 102 को मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखिए 102, सो ये 2 टाइम्स में जाएगा और 102 होगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 0। अब जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आया तो इस समय पे यहाँ पे डिवाइजर कौन है, ये है 51, सो ये मेरा क्या हो जाएगा एच सी एफ। अब मुझे इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखना है, तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे जो डिवाइजर होते हैं, जो सॉरी डिविडेंट होते हैं, डिविडेंट को आप ऐसे सर्कल कर लो, ठीक है, और उन्हें यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया 867 और यहाँ पे 255 एंड देन वी हैव 102। अब इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट इनटू राइट, मैंने बताया था लेफ्ट इनटू राइट, या फिर आप हाँ इसे राइट मान लो, यहाँ पे 3 है, ठीक है ये 3 है, सो लेफ्ट इनटू राइट क्या हो गया 255 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, और प्लस में रिमाइंडर विच इज़ 102, सो ये 102 हो जाएगा। अब 255 के लिए लेफ्ट इनटू राइट 102 × 2 102 × 2 प्लस 51, इसके लिए देखिए यहाँ पे 102 के लिए क्या होगा 51 × 2 सो ये हो गया 51 × 2 प्लस रिमाइंडर में क्या होगा 0, तो यहाँ पे आपका एच सी एफ क्या हो गया 51 इज द एच सी एफ, ठीक है। यहाँ पे जो डिवाइजर होता है सबसे आखिरी जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है एच सी एफ होता है। सो गाइज ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।